तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं जो वॉक अराउंड करने वाला हूँ उस एरिया में मैं पहुँच चुका हूँ। तो एरिया का नाम है इलेक्ट्रॉन सिटी फेस टू, और मेरा राइट हैंड साइड में यहाँ पे फेस वन है और लेफ्ट हैंड साइड में ये टू। तो आज फेस टू का गली पे वॉक अराउंड करेंगे, और मेरा थोड़ा सा पीछे यहाँ पे बस स्टॉप है। तो आप अगर मेजेस्टिक मार्केट कोई पे भी इलेक्ट्रॉन सिटी के लिए बस में बैठते हो तो आपको पीछे जो स्टॉप है वहीं पे छोड़ देंगे। ये NS44 है क्या सर? NS7। सॉरी, मैंने शायद गलत बता दिया। तो ये कार है, क्या नाम है सर आपके? मेरा नाम गुंडा रवि है, ऑटो ड्राइवर है। ओके, तो सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिटी फेस टू कहाँ से शुरू होती है? फेस टू इधर से शुरू होती है। तो गाइस चलिए, आज हम जाएंगे फेस टू का मेन रोड की तरफ। काफी सनशाइन है, थोड़ा सा धूप लग रही है और दोपहर का समय है। और इस तरफ आगे जो रूट जा रही है ये NS7 है, इसके जरिए आप चंदापुरा आटीबली होसूर आगे जा सकते हो बमसंद्रा तक। और यहाँ पे अभी मेट्रो का जो येलो लाइन है वो भी रेडी हो रहा है, वो बमसंद्रा तक जाते हैं। एक्चुअली वो राष्ट्रीय विद्यालय जो ग्रीन लाइन है वहाँ से स्टार्ट होके लगभग 18 किलोमीटर का ये मेट्रो लाइन बन रहा है अभी। और अभी जो एक्सप्रेस वे देख रहे हो ऊपर, ये रोड भी रूपेणा अग्रारा से शुरू होती है, वहाँ पे आके डिवाइड होती है और डिवाइड होके एक जाती है फेस वन की तरफ और दूसरी आती है फेस टू की तरफ, मतलब सीधा। और ये टोल रोड है, तो आप अगर बस से आते हो तो नीचे ही आ जाएंगे फिलहाल। और यहाँ पे एक BMTC बस डिपो भी है इलेक्ट्रॉन सिटी का, आपको मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअल बस डिपो जहाँ पे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है बस डिपो, BMTC बस डिपो। अब अगर मेजेस्टिक मार्केट कोई से भी आ जाते हो तो आपको सामने स्टॉप में उतर देगा, उसके बाद बस सब यहाँ पे आके यू टर्न लेके जाती है। और ये जो है काइंड ऑफ जंक्शन टाइप का है, यहाँ पे कई रोड आके जो है ज्वाइंट होती है। और काफी धूप है भाई आज, तो मैंने कैप लगा लिया। गाइस एक तरफ रोड है और दूसरी तरफ इस टाइप का जंगल है, ये एम्प्टी लैंड है, खाली जगह पड़ा हुआ है। स्पेशली फेस टू से काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ पे IT कंपनी का ऑफिस भी है, कुछ फैक्ट्रियाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया भी देखने के लिए मिलेगा, तो काफ़ी मिक्स है यहाँ पे। वहाँ पे आपको दिख रहा है बड़े बड़े बिल्डिंग, सामने TCS भी है, मतलब टाटा कंसल्टेंसी या फिर टाटा पावर, टाटा के ऑफिस है। कुछ इंस्टीट्यूट भी है सामने दिख रहा है, सामने U-turn है, यहाँ पे आके U-turn ले सकते हैं, U-turn लेके नीचे की तरफ जा सकते हैं। और इस तरफ कुछ ऐसा है विजुअल, सामने इंफोसिस के कुछ बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है। जो है यहाँ पे ऑफिस है, अभी दोनों साइड जो भी आपको देखेगा ज्यादातर IT कंपनी का ऑफिस देखेगा, तो ऐसा है यहाँ का बेसिकल। एक सिग्नल जैसा है, यहाँ पे सारी चीजें लिखा रहता है बोर्ड में, इस तरफ कौन सी चीजें मिलेगा, कौन सा ऑफिस। और यहाँ पे टाटा पावर सोलर की गेट है, इलेक्ट्रिक चार्जर वगैरह लगा हुआ है गेट पे। और मेरा इस तरफ कुछ बैंक है, मेरा इस तरफ, और इधर भी कुछ है। ये बड़ा सा बिल्डिंग है, ये कंपनी का नाम मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, XIME करके कुछ नाम दिख रहा है।
और खाली खाली सा है, लोग नहीं है क्योंकि अभी भी वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी भी लोग नहीं दिख रहे। यहाँ पे साइमंस हेल्थ ये वाला बिल्डिंग है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे फिर से एक सिग्नल है, और जैसे कि हर सिग्नल में कुछ ना कुछ लिखा रहता है कंपनी कौन सा किस तरफ है, तो मैं फिलहाल इस तरफ वॉक करने वाला हूँ आज। गर्मी भी लग रहा है थोड़ा सा क्योंकि हम वॉक कर रहे हैं तो। और यहाँ पे बाकी आपको कुछ चीजें दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों साइड कंपनी का ऑफिस है, तो यहाँ पे कोई दुकान वगैरह ये सब होने का कोई चांसेस नहीं है, बहुत कम मिलता है देखने के लिए। और मेरा लेफ्ट साइड में जो कंपनी है वो वैसे काफी बड़ा है, लगभग 5 मिनट से इसका साइड में वॉक कर रहे हैं, बट इसका एरिया अभी तो खत्म नहीं हो रहा है। इस पार्क की कंपनी का नाम मुझे नहीं दिख रहा है, पता नहीं किस तरफ मेन गेट होगा। मस्त लग रहा है यार बिल्डिंग में, काम चल रहा है साइट में। ये जो बैरिकेड है इसको बना रहा है पाइप से। हाँ, इस कंपनी का गेट इस तरफ है, काफी बड़ा पार्क है। 5 मिनट से इसका साइड में से मैं वॉक कर रहा था, अब जाके इसका गेट मिला, काफी बड़ा पार्क है। खाना खा रहे स्टाफ लोग। टेक महिंद्रा का ऑफिस इस तरफ, ये है SNN रास ग्रीनरी वे रोड। तो मुझे इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फास्ट मेन रोड दिख रहा है, मैं अंदर आया हूँ, अंदर से अभी मेन रोड की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे बोर्ड दिख रहा है कि फास्ट मेन इलेक्ट्रिसिटी फेज 2, आपको भी दिख रहे होंगे, तो लेट्स गो। हाँ, इस तरफ कोई बिल्डिंग बड़ा बन रहा है, IT पार्क का ही बिल्डिंग बनेगा। और इस तरफ कोई रेजिडेंशियल एरिया है, कोई अपार्टमेंट है, और शॉप वगैरह बंद पड़ा है शायद कोविड के चक्कर में सब बंद हो गया। बाकी ये रेजिडेंशियल एरिया ही मुझे लग रहा है टोटल। तो मैं अंदर गली की तरफ घुस गया भाई। अच्छा, इस तरफ लेफ्ट जाएंगे तो मेन रोड की तरफ जाएंगे शायद। थोड़ा सा पॉकेट रूट है, सही नहीं है, बच्चे लोग मेरे तरफ देख रहे हैं, सोच रहे क्या कर रहा है। यहाँ पे एक वाटर टैंक दिख रहा है, और कुछ अपार्टमेंट भी है उस तरफ, और इधर भी कुछ रेसिडेंशियल एरिया दिख रहा है। यहाँ पे अभी भी प्लॉट वगैरह थोड़ा सा खाली दिख रहा है, आई थिंक ये सब प्लॉट है, खाली है, घर अभी तक बना नहीं है, बाकी एरिया तो कुछ ऐसा है। तो कुछ ऐसा है यहाँ का 360 व्यू, सब बिल्डिंग दिख रहा है सामने। ऐसा बिल्डिंग ज्यादातर पीजी होती है, यहाँ पे बहुत पीजी है इलेक्ट्रिसिटी में, आप देख रहे हो सामने इस टाइप का बिल्डिंग है, ज्यादातर बिल्डिंग जो है पीजी, या तो लेडीज पेइंग गेस्ट या फिर जेंट्स के लिए। थोड़ा गांव के जैसे फील आ रहा है यार, गाय वाई दिख रहा है इधर, गाय पाल रखे हैं, मुर्गियां भी दिख रहा है, थोड़ा गांव के जैसा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जो दुकान मतलब कमर्शियल टाइप का यही गली है,
सामने आपको दिख जाएगा दुकान हर तरह का की। यहाँ पे आसपास कोई मॉल नहीं है फिलहाल, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। इन फ्यूचर आई होप बन जाएगा, बट फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। ऐसा है इधर का विजुअल। देसी तड़का इन करके, फुटपाथ बराबर नहीं है अभी देख पा रहा हूँ, रोड सही से बना नहीं है, समय तो लगेगा मुझे लग रहा है ये सब डेवलप होने में। उस हो ना हो आपको वाइन शॉप बेंगलोर में एवरी 500 मीटर में एक एक मिल जाएगा। और काफी धूप लग रहा है यार अभी। इस तरफ कोई कंपनी या फिर फैक्ट्री का दीवार है और इस तरफ कुछ ऐसा शॉप वगैरह है। तो देखिए यहाँ का रोड का कंडीशन ऐसा ही है जो है, ये रेसिडेंशियल एरिया है और मुझे लगता है यही कमर्शियल जो मेन हाय। तो फेस टू का यही कमर्शियल गली लग रहा है मुझे, पता नहीं, मैं किसी से पूछूंगा। बहुत सारा पीजी शॉप और सारी चीजें दिख रहा है, एक गली है। हालांकि अभी भी काफी कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग वगैरह है, पीजी बहुत सारे पीजी है स्पेशली फेज टू में। मेन रोड यही कमर्शियल गली है शायद, इलेक्ट्रॉन सिटी फेस टू का। दोनों तरफ ढेर सारा मुझे शॉप्स दिख रहा है। ये गली ज़्यादा लंबा नहीं है, आगे जाके डेड एंड दिख रहा है मुझे, ऐसा है कुछ इधर का विजुअल। रोड में पानी जमा हुई है, पता नहीं क्यों। अंदर ही चल गाइस, ये है इस रोड के एड्रेस, आप किसी को अगर कंफ्यूजन है तो आप देख लेना। लंच के आवर हो गया है, दोपहर का समय हो गया, लोग खाना खा रहे हैं। वेज रेस्टोरेंट है ये, मेन रोड पे ही है। ये रहा इस इलेक्ट्रॉन सिटी फेज टू का गली। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ फेज वन की तरफ, ओवर ब्रिज। ये रिसेंटली बना, लगभग एक साल डेढ़ साल पहले ये बना, पहले नहीं था। मैं अभी
रोड को क्रॉस करके ऑपोजिट में जा रहा हूँ टुवर्ड्स सिल्क रोड की तरफ। और ये है मेरे पीछे वाला एरिया जहाँ से हम अभी घूम के आए। इस तरफ अभी फेस वन है और इस तरफ रोड के उस साइड में अभी फेस टू से हम अभी घूम के आए हैं। 378 पास होते केंगेरी से आते तो यही से यू टर्न लेके रिटर्न जाता है। और मेरा पीछे ये जो रोड है ये टूवर्ड सिल्क रोड। और गाइस सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहता है यहाँ पे। हमारा जो CISF जवान है वो गाड़ी लेके पेट्रोलिंग करते रहता है। और ये बन रहा है मेट्रो स्टेशन, पता नहीं कितना साल लगेगा। सो गाइस वीडियो में यही पे समाप्त करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और आपके कोई सवाल सुझाव क्वेरी रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।